बेटा अभी चोर आए थे यहाँ पे, बच गए। गाइस गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू माय व्लॉग। आरव की दादी ने आरव को नहला दिया है। आरू बाबू सबको गुड मॉर्निंग बोल दो, ऐसे बोलो सुप्रभात, बोलो जल्दी गुड मॉर्निंग। नहीं बोलोगे? ज्योति और मैं जा रहे हैं पूजा करने के लिए केले के पेड़ के पास। कल तक तो ऐसा मौसम बहुत खराब टाइप का हो रहा था, बादल लग रहा था, और आज धूप अच्छी है, मतलब आज धूप आई है। बाकी ज्योति के हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। एक तो लंबे हैं, ऊपर से बनाती भी अच्छी है, अच्छी लगती है। वाह कितने प्यारे लग रहे बतख, ये बतख है? हाँ ये कितने बतख है, एक दो, बस दो ही है ना, दो बतख। ज्योति इस केले के पेड़ की पूजा करती है क्योंकि वो बृहस्पतिवार का व्रत लेती है, तो यहाँ पे पूजा करने के लिए आती है। चलो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इसी बात पे, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको जलाया नहीं जाता है, जिसकी लकड़ियाँ जलती नहीं है, आई मीन। ज्योति यहाँ पे कपड़े फोल्ड करना शुरू कर दिया उसने, ठंडियों के कपड़े वो निकाल दे रही है और गर्मियों के कपड़े वो रख दे रही है। ये देखो ज्योति यहाँ पे कपड़े फोल्ड करना शुरू कर दिया है इसने, और इसको बहुत सारी गालियाँ मिल चुकी हैं मम्मी के मुंह से कि ज्योति हमेशा बोलती कि मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं, जो कि उसके पास इतने कपड़े हैं कि कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है। तो मम्मी बोलती है कि तुम खाओ भी कपड़े, पियो भी कपड़े। कपड़ों का ढेर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ज्योति की ओर। आज हम ज्योति के पास जाएंगे। मैं और मम्मी जा रहे हैं दूध लेने के लिए, मम्मी अपने आप में बिजी है। बाकी आजकल इवनिंग में ना मौसम ऐसे हो जा रहा है, ठंडा ठंडा सा होने लग रहा है और ऐसे कोहरा जैसा लग जा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है अभी से नवंबर। अरे हाँ अब तो नवंबर है, हो सकता है, मतलब होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता नहीं था नवंबर इतनी जल्दी टाइम निकल जाता, पता ही नहीं चलता। आज पापा की तबीयत खराब हो गई, पापा को बुखार आ गया। अभी मम्मी और मुझे जाना है क्लिनिक पापा के लिए दवा लेने के लिए। पापा तो नहीं आ रहे, पापा बोल रहे कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आ पाऊँ, तो मम्मी और मैं जाएंगे। फिर उसके बाद हो सकता है हम थर्सडे मार्केट जाएं क्योंकि कुछ सब्जियां नहीं हैं। छोटी फोटो कौन खींच रहा, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, क्यों नहीं बनाओ? नानू के लिए दवा ले आए? हाँ। क्या हुआ है नानू को? बुखार है। हाँ, नानू बुखार है। आज पापा को सुबह से बहुत ज्यादा बुखार आया है, पापा ने दवा खा ली। पापा अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अभी खूब गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, सिर दर्द थोड़ा हल्का हो रखा, बुखार भी हल्का हो रखा। अच्छा। हाँ। पसीना आ रहा है? हाँ, पसीना। तो ये पूरा मुंह भी कवर कर लो ना, पूरा अंदर बंद हो जाओ, पैक हो जाओ इसके अंदर। वैसे तो बहुत गर्म हो जाएगा, तभी तो जब पसीना छूटेगा तभी आपका बुखार ठीक होगा। चलो पैक कर लो खुद को। करो फिर। मैं और ज्योति जा रहे हैं थर्सडे मार्केट, सब्जी वगैरह तो कुछ लानी नहीं है, बट मुझे वहाँ के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं और ज्योति आ गए घूमने के लिए और पकौड़े लेके जाएंगे यहाँ से। पकौड़े ज्योति तो खा नहीं सकती है क्योंकि उसका आज फास्ट है, लेकिन ज्योति को उसकी स्मेल ही दे देंगे कि ये लो तुम सूंघ लो, वही बहुत है, और मैं खा लूँगी उनको। अभी मैं पापा के लिए दवा लेने के लिए गई थी मम्मी के साथ, तो पता है हुआ क्या, जब हम दवा लेके आ रहे थे तो एक छोटा सा कीड़ा मेरे गले के अंदर घुस गया, मतलब मैं ऐसी स्कूटी चला रही थी, चलाते चलाते पता नहीं कब गया, फंस गया है, निकल ही नहीं रहा है। Gracias.
मार्केट की वजह से फिर यहाँ का जाम। अंजलि को घर जाके पकौड़े खाने की बहुत जल्दी है, तो इसलिए वो फटाफट फटाफट चल रही है अकेले अकेले मुझे छोड़ के। मम्मी ने आरू को सेकने के लिए यहाँ पे आग भी जला दी है। मेरी पकौड़ियाँ ठंडी हो रही है, जल्दी जाके खाती हूँ। सेवई तो बना दी है, लेकिन जो मैंने गैस का हल किया है इसलिए मुझसे दुखी रहते मेरे घर वाले, किचन में भेजने से थोड़ा डरते हैं कि किचन का बुरा हाल बना देती है करके। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी गंदगी पूरा दूध फैला दिया, चीनी गिरा दी। तो अब कुकिंग करेंगे, गंदगी तो होगी ही। मतलब मेरा मानना है कि जो असली कुक होगा ना वो गंदा, मतलब उसके खाने के चारों तरफ गंदगी तो फैलेगी ही। ये मेरा अपना मानना है। ज्योति के लिए मैंने सेवई बना दी है, बहुत टेस्टी बनाई है। मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। ये देखो, ये ले ज्योति। हम लोग छत में आए, यहाँ पे बोल रहे थे चोर आ गया चोर आ गया। जैसे ही हम छत में आए तो हमें देर हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते, वरना हम भी चोर से मिल लेते हैं। बेटा अभी चोर आए थे यहाँ पे, बच गए। मतलब इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी, चोर 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 चोर। जैसे ही हम बाहर गए हमने देखा, बहुत डर गए हम लोग कि चोर आ गया। बस खाना पीना हो गया था हमारा और मेरी वीडियो एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं वीडियो को अब अपलोडिंग पे लगा दे रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो में कमेंट करो। बाकी अब हम कल मिलते हैं नई सुबह की नई शुरुआत के साथ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।